यूपी सरकार के नव नियुक्त मंत्री कपिल अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर कपिल जी, आज आपकी महनाथ पांडे से मीटिंग है, क्या कुछ रहने वाला है? सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरे संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है स्किल डेवलपमेंट की। निश्चित रूप से आज मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्रनाथ पांडे जी, उनके साथ अपने विभाग को लेकर के मेरी मीटिंग है शाम को 4 बजे और उनके साथ में बहुत सारे विषयों पर, अपने विभाग पर, अपने विभाग के डेवलपमेंट पर, अपने विभाग की नई नई संभावनाओं पर उनसे बातचीत करने वाला हूँ। सर, व्यावसायिक शिक्षा आपके पास है, खास करके व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो ज़्यादातर धांधली व्यावसायिक शिक्षा में ही नज़र आती है, कैसे नज़र रखेंगे? अगर कोई धांधली हमको नज़र आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो काम को बढ़ाने वाले या काम को कम करने वाले। जो काम को बढ़ाने वाले हैं, प्रोत्साहित करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जो गुंडे करते हैं, बदमाशी करते हैं, काम चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल विभाग से बाहर करने का माननीय मुख्यमंत्री के ऐसे स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा बल्कि टर्मिनेट करके विभाग से बाहर किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि आज जो है उनकी महेंद्रनाथ पांडे के साथ जो मीटिंग है, उम्मीद है कि ये मीटिंग से यूपी के लिए बहुत कुछ निकलेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।